ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। YouTube और TikTok में कौन बेहतर है, ये लड़ाई लंबे समय से चल रही है। इस मुद्दे को खत्म करने के लिए क्यारी मिनाटी ने YouTube वर्सेस TikTok द एंड नाम का एक रोस्ट वीडियो बनाया। अब क्यारी का ये वीडियो टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी की कही बातों का जवाब था। ये वीडियो आते ही भयानक वायरल हो गया। इसे 6 दिन में 7 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। इसका फायदा क्यारी को भी खूब मिला। जब उन्होंने ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था तब उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या थी 10.6 मिलियन यानी कि 1.6 करोड़ के आसपास। लेकिन उस वीडियो के बाद उनके टोटल सब्सक्राइबर्स हो गए थे 16.7 मिलियन यानी कि 1.67 करोड़। लेकिन अभी ये सब चल ही रहा था कि यूट्यूब ने क्यारी के इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से ही हटा दिया, ये कहकर कि ये वीडियो उनके टर्म्स ऑफ सर्विस यानी कि सेवा की शर्तों का उल्लंघन करता है। देखिए ये इसका स्क्रीन ग्राफ। क्यारी मिनाटी के इस वीडियो को साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट कहा गया। इसे रिपोर्ट करने में उन टिकटॉक यूजर्स का बड़ा हाथ था जिनके ऊपर क्यारी का ये वीडियो था। लेकिन विडंबना ये है कि क्यारी मिनाटी ने यूट्यूब को डिफेंड करते हुए वीडियो बनाया और यूट्यूब ने उसे अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट करवा दिया। अगर YouTube की गाइडलाइंस या पॉलिसी की बात करें तो उनके पेज पर हमें ये लिखा हुआ मिला, गाली गलौज से भरे वीडियो या कमेंट YouTube पर पोस्ट करना ठीक नहीं है। अगर वीडियो या कमेंट में हो रही हैरेसमेंट दुर्भावनापूर्ण हमले में तब्दील हो जाती है तो उसे रिपोर्ट किया जा सकता है या फिर YouTube से हटाया भी जा सकता है। क्यारी मिनाटी के वीडियो को हटाए जाने का खूब विरोध हो रहा है। इस वीडियो को बनाते वक्त तक ट्विटर पर 5 टॉप में से 4 ट्रेंड्स क्यारी और उनके वीडियो से जुड़े हुए थे। YouTube के इस कदम का शिकार सिर्फ क्यारी नहीं, वो तमाम यूट्यूबर्स हुए हैं जिन्होंने YouTube वर्सेस TikTok वाले मसले पर वीडियो बनाया था। इस टॉपिक पर बने सारे वीडियोस YouTube ने हटा दिए हैं। इस चक्कर में लक्ष्य चौधरी से लेकर के एल्विश यादव और सम्राट तक के सारे वीडियोस जो हैं इस टॉपिक पे जो बनाए गए थे वो डिलीट हो चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि YouTube पर गाली वाले वीडियोस नहीं होते हैं, लेकिन जब कोई वीडियो ज्यादा ही वायरल हो जाता है और उस पर बहुत सारे लोगों की आपत्तियां आ जाती हैं, तो YouTube भी सकते में आ जाता है। इससे पहले कि उस पर किसी संस्थान की नजर पड़े जिससे YouTube की मुश्किलें बढ़ें, वो इस तरह के वीडियोस के खिलाफ एक्शन ले लेता है। YouTube वर्सेस TikTok वाले मामले में भी यही हुआ, क्योंकि तमाम बहानों और एक्सप्लेनेशन के बावजूद क्यारी मिनाटी का वीडियो टिकटॉकर्स को नीचा दिखाने वाला ही था। गाली गलौज की मात्रा का तो क्या ही कहें। लाख कोशिश करने के बाद भी आप उसे साइबर बुलिंग या फिर हैरेसमेंट वाली कैटेगरी से बाहर नहीं रख पाएंगे, और कोई भी प्लेटफॉर्म ये चाहेगा ही नहीं कि उसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए हो। यूट्यूब की देखा देखी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी क्यारी के वीडियो के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर चुके हैं। 15 मई की सुबह जब क्यारी के ट्विटर हैंडल पर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक द एंड वाला वीडियो मौजूद था तो ट्विटर ने क्यारी के हैंडल पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। अब जब वो वीडियो YouTube से हट चुका है तब आप फिर से क्यारी का ट्विटर हैंडल आराम से चेक कर सकते हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करिए, YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए द ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त द ललन टॉप।